स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेट में। साथियों, इंडियन नेवी जो अग्निवीर के थ्रू एंट्री का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। साथियों, इसमें इंडियन नेवी ने क्या किया है कि जो अभी तक जो बहुत सारे लोगों को निराश किया है, क्योंकि इसमें परसेंटेज के आधार पर एडमिट कार्ड आएंगे, क्योंकि सब लोगों को इसमें मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ लगभग 10,000 के समथिंग ही इसमें बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे। तो उसका जो हम इनके नोटिफिकेशन देखते हैं, इसमें क्या है कि जैसे कि इसके जो फॉर्म है, इसके फॉर्म 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 2800 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी इसमें 2800 है, और जो फीमेल के लिए भी 560 वैकेंसी है, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा कि 10+2 होना चाहिए, मैथ एंड फिजिक्स एटलीस्ट, केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह तो होनी चाहिए, और डीओ भी है 1 नवंबर 1999 से लेकर और 2005 तक ली गई है, ठीक है। अब इसका आगे देखते हैं, और जो जैसे कि स्टेशन होना चाहिए जो मैरिड का, जो अनमैरिड होना चाहिए, बोथ फीमेल एंड फीमेल, ठीक है। और जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ सर्विस रहेगा, अब तो आप लोग पहले से जानते हो 4 साल का रहेगा ड्यूरेशन ऑफ, और लीव जो होगी आपको 30 दिन की मिलेगी, ठीक है। पे अलाउंस एंड जो बेनिफिट्स हैं उसमें क्या होगा, आपको 30,000 रुपये दिए जाएंगे, 30,000 रुपये दिए जाएंगे। सेवानिधि में आपको यानी कि जो 11 लाख रुपये, 5 लाख वो और कुछ मिला के लगभग 11 लाख रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस है, डेथ कॉम्पेंसेशन है, और यानी कि 48 लाख दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो एनरोलमेंट एज एस यानी कि रेगुलर कैडर, इसमें क्या होगा, सिर्फ 25% ही बच्चों को रोका जाएगा, 25% बच्चों को सिर्फ रोका जाएगा। और इसमें पेंसिल की कोई भी ग्रेटुटी नहीं है, ठीक है, कोई भी ग्रेटुटी नहीं है, और इसमें कोई एक्स सर्विसमैन का भी स्टेटस नहीं मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस ये होगा कि शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 10+2 के जो नंबर है उसके आधार पर। इसमें लगभग जैसे कि 10,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 2800 वैकेंसी में, जिसमें से 560 महिलाओं की हैं। इसका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा जैसे कि यानी 1600 किलोमीटर रन है 6 मिनट 30 सेकंड में, और फीमेल के लिए होगी 8 मिनट में, ठीक है। स्क्वायर उठक बैठक 20 होंगे, वो सब 12 होंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मेरिट लिस्ट होगी, इसके बाद देखते हैं जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, मेडिकल वगैरह पूरी तरीके से फिट होना चाहिए, और इसका जो जैसे कि विजुअल स्टैंडर्ड्स आई मतलब होनी चाहिए 6x6, और ठीक है। ट्रेनिंग क्या होगा, ट्रेनिंग इसका जो बैच है जो 22 नवंबर को INS चिल्का में होगा, ठीक है। अगर डिस्चार्ज एज अनसुटेबल क्या होगा, जैसे जो अग्निवीर हैं वो डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे अगर वो उनकी परफॉर्मेंस एनी टाइम कर सकते हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस किसी भी तरीके से अनसेटिस्फैक्ट्री रही, ठीक है। और इसका जो फॉर्म फिलअप होगा 15 जुलाई 2022 से 22 जुलाई तक होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो गए हैं, वो 1 जुलाई से 9 जून तक रहेंगे। और इसके लिए अब की क्या होगा, अब की 10,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और ये हमारा नोटिफिकेशन रहा इसमें कंप्लीट। आगे देखते हैं, धन्यवाद।